हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि हमारी जो परी हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो 15,000 की हो गई है, 15,000। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना 15,000 हो गए तो आपको मेरे किचन टूर दे देती हूँ एक बार। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहले से काफ़ी बेटर है अब मेरी आँख और स्वेलिंग भी कम हो गई है। तो आई होप कि मतलब एक दो दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और थैंक यू, आप सबने इतना मतलब कंसर्न दिखाया, इतना प्यार दिखाया, कमेंट पढ़े मैंने, बहुत से लोगों के सजेशंस भी आए हुए थे। परी बेटा, बहुत से लोगों के सजेशंस भी आए हुए थे कि किस तरीके से स्वेलिंग को कम कर सकते, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि मेरी किचन में मैं कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें रहती हैं, किस तरीके से मेरी किचन बनी हुई है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दे देती हूँ दूर से कि किस तरीके का है मेरे किचन, फिर आपको एक एक ड्रॉअर और कंपार्टमेंट का बताती जाऊंगी कहाँ पे मैंने क्या चीज़ें रखी हैं। तो ये है मेरा किचन, ओपन किचन है, हॉल से अटैच है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले किचन में ये फ्रिज आता है, जिसे मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं फ्रिज में, जो नॉर्मल सब्जियाँ वगैरह होती हैं वही हैं। फ्रिज के जस्ट ऊपर आपको एक ये कैबिनेट दिख रहा है। इस कैबिनेट में ये मतलब वाटर बॉटल है, हॉट वाटर बॉटल। ये मेरा सैंडविच मेकर है और एक मतलब कप का, जो शादियों वगैरह में नहीं देते हैं बाउल का सेट होता है गिफ्टेड, वो है। तो ये टोस्टर कम यूज़ होता है सैंडविच मेकर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। सैंडविच बनाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बनाते हैं, लेकिन मतलब मोस्टली मैं तवे पे ही सेकना पसंद करती हूँ। इस वाले कैबिनेट के जस्ट साइड में है ये वाला कैबिनेट। इस कैबिनेट में है ये बॉयलर है, मतलब आपको कोई भी चीज़ बॉयल करनी हो, एग बॉयल करने हो या आलू बॉयल करने हो, वो वाला बॉयलर है। ये मतलब स्नैक्स ट्रे वगैरह होती हैं जो ड्राई फ्रूट्स के लिए, वो हैं दो, एक ये है एक ये है। तो ये मतलब मोस्टली मैं फेस्टिवल्स पे ही यूज़ करती हूँ। उस कैबिनेट के जस्ट नीचे है ये वाला ग्लास का एक बनवाया हुआ है, ये मतलब उन्होंने बनाया नहीं था किचन वालों ने, मैंने कह के बनवाया है। तो इसके जस्ट नीचे यहाँ माइक्रोवेव है मेरा, तो माइक्रोवेव के जस्ट ऊपर ये मतलब ट्रे है माइक्रोवेव वाली जो यूज़ करती हूँ, ये भी उसकी ट्रे है ना, जो माइक्रोवेव में यूज़ की जाती है। उसके बाद यहाँ पे साइड पे मैंने एक खुद से ही हुक लगाया था, ये जो क्या बोलते हैं इसको, ग्लव्स बोलते हैं ना, हाँ आई थिंक वही बोलते हैं जो माइक्रोवेव में यूज़ करते हैं, वो है। उसके बाद आता है ये ऊपर वाला ये कैबिनेट, पहले मैं आपको ऊपर वाले दिखा देती हूँ है ना, फिर नीचे ले पाऊँगी। तो इसमें ऊपर की साइड मैंने मतलब जो ग्लास वाले कैबिनेट्स हैं ना मेरे, उन्हें मैंने मोस्टली क्रॉकरी ही रखी हुई है। तो ऊपर की साइड है कप एंड सॉसर, नीचे की साइड है ये जूस का पूरा सेट, ग्लास एंड जग का जो जूस का सेट आता है वो है कंप्लीट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ये चिमनी आ जाती है यहाँ, फिर ये वाला कैबिनेट है। इस कैबिनेट में ऊपर कांच के बाउल्स रखे हुए हैं और जूस वाले ग्लासेस हैं ऊपर, और नीचे पानी वाले ग्लास हैं, और साथ में ये टी कप्स हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये मुझे, चाय के कप हैं ये। एक उतार के दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके के हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, इनमें चाय वगैरह जब डालते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, इसको कर देते हैं क्लोज। इस वाले क्रॉकरी वाले के साइड में आता है ये वाला, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे रखा है ये केटल है गर्म पानी करने वाली, तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे रखी इस वाले में क्योंकि यहीं पे पास में स्विच है,
तो अभी जैसे गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती रहती है, रात के टाइम ठंड हो जाती है, तो ईजिली यहाँ से हम इसे लेके यूज़ कर सकते हैं। ये किचन के कपड़े हैं मेरे, मैं यूज़ करती हूँ। ये डस्टबिन में लगाने वाली पॉलीथीन, ये ग्लूकोज, पीछे फॉयल पेपर्स हैं, और ये ऊपर वाला है, इसमें ये माइक्रोवेव में भी यूज़ हो जाते हैं, मतलब कंटेनर टाइप हैं ये, बहुत अच्छे हैं, मतलब हैं तो शायद ये ग्लास वगैरह के, पता नहीं मुझे, यही लेके आए थे, कहाँ से लेके आए थे। और ये सूप वाले बाउल्स हैं, ये जो है ये ऑर्गेनिक प्लेट्स, और ये बाउल हैं, कटोरियाँ ऑर्गेनिक हैं ये, मतलब वैसा वाला प्लास्टिक नहीं है जो बोलते हैं ना प्लास्टिक में खाना मत खाओ ऐसे, मतलब लेके तो इसी पर्पज़ से आई थी, यही बोल के भेजा था मुझे। ये ऑर्गेनिक है, इससे खाना खाने से हमारे पेट में प्लास्टिक नहीं जाता है, तो इनमें भी कभी कभी खा लेते हैं। बाकी ये अच्छे लगे मुझे कलरफुल से, तो मैंने ले लिए। ओके, इसके जस्ट साइड में आता है ये ओपन वाला, यहाँ पे कैबिनेट बन नहीं सकता था इसलिए ये ओपन रखवाया। तो ऊपर ये कॉफ़ी मग है, वो एक बियर मग है ये वाला, ये शायद जियो सा ने गिफ्ट किया था इनको, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं है। ये वाला जो मग है ये मैंने इंगेजमेंट के बाद, मतलब हमारी शादी से पहले मैंने इन्हें गिफ्ट किया था, ये जियोसा ने मुझे गिफ्ट किया था। ये कंटेनर्स हैं ग्लास के, ये एयरटाइट कंटेनर्स हैं, इनमें मैंने कुछ ऐसे स्नैक्स वगैरह रखे हुए हैं। और नीचे ये जो मग है कॉफ़ी मग, ये हम मतलब रोज़ाना जो यूज़ होते हैं वो वाले कॉफ़ी मग हैं ये तीनों ही। इस वाले के जस्ट साइड में आता है ये वाला कैबिनेट, तो इस कैबिनेट में हमने आरओ लगवाया हुआ है, तो ये पूरा पैक रहता है। यहाँ पे एक होल है जिससे यहाँ से मतलब इसको क्लोज कर देते हैं, इसे खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ से जैसे पानी लेना हो तो ऐसे खोल के यहाँ से पानी आता है, ठीक है। यहाँ पे इसके फिर जस्ट साइड में, जो इसके जस्ट साइड में है ये वाला कैबिनेट, तो इस कैबिनेट में ऊपर तो मैं ये ट्रे रखती हूँ, सर्विंग ट्रेज होती हैं वो हैं। तो इस वाले में सारा वॉशिंग का सामान रखती हूँ, जैसे ये इसमें बर्तन धोने के साबुन है, ये जूना, ये प्लास्टिक वाला जूना, ये ब्रश बॉटल्स वगैरह साफ़ करने के लिए, ये शायद लक्ष्मण रेखा बोलते हैं इसको वो है, ये पीताम्बरी है मंदिर के जो मतलब पीतल के बर्तन है वो धोने के लिए, पीछे हार्पिक वगैरह जो भी है, ये मुल्तानी मिट्टी है, ये पीछे नए मतलब कुछ जूने वगैरह रखे हैं जो भी निकाले नहीं हैं, केस भी कर देते हैं बंद। तो ऊपर के जितने भी कैबिनेट्स थे वो मैंने आपको सारे दिखा दिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें, अब नीचे वाले से स्टार्ट कर। तो फ्रिज के जस्ट साइड में ये वाला है जो फर्स्ट वाला, इसमें सारा प्लास्टिक का सामान रखती हूँ मेरा, है ना, जितना भी एक्स्ट्रा सामान है या जितना भी ना प्लास्टिक की सामान है, बाउल्स हैं प्लास्टिक के, ये ग्राइंडर वगैरह हैं, ये मेजरिंग कप्स हैं, है ना, कप केक के ये हॉट केस हैं छोटे वाले, ठीक है, तो इसमें सारा प्लास्टिक का सामान रहता है। अब आता है इसके नीचे वाला, तो इसमें मोस्टली खाने पीने की चीज़ें रहती हैं, है ना, नमकीन है, इसमें भी ऐसी खाने पीने की चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट ये कटलरी का है, इसमें सारे चम्मच वगैरह है ना जो कटलरी होती है वो है, के जस्ट नीचे वाला जो है इसमें मसाले हैं सारे, ठीक है, जैसे ये चीनी, चाय पत्ती है ना, इन सब में अजवाइन वगैरह, और है ना केसर, काला नमक, सेंधा नमक, है ना, ये मेरी मसालदानी, इसमें मतलब कहने का मतलब है इसमें सारे मेरे मसाले हैं। नेक्स्ट, इसके जो नीचे वाला ड्रॉर है इसमें है दाल वगैरह, है ना, बूंदी दाल, नमक, मूंगफली, बाकी जो भी हमारा मतलब सब्जी वगैरह बनाने का जो भी आइटम होता है ना रॉ वाला वो सब है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है ये वाला, इसके साइड में, इसमें भी वही दाल वगैरह है ना, चने, छोले, नमक और कसूरी मेथी, इसमें चावल है, इसमें परी का फॉर्मूला मिल्क है, और इसमें क्या है, इसमें मेरे ध्यान नहीं है क्या है, इसमें घी है,
ठीक है। ये मैंने अभी निकाला है, ये मम्मी ने ही दिया था मुझे शादी में, तो मैं सोच रही हूँ इसमें अचार वगैरह डाल लूँ, काफ़ी अच्छा लगेगा, है ना। ओके, तो अब बारी आती है इसकी नीचे वाले की। इसमें सारे बर्तन है, कढ़ाई, भगोने वगोना, जितने भी बड़े बर्तन होते हैं ना वो सारे इसी में रहते हैं, ठीक है। अब आता है ये वाला, इसमें है सारे ग्लास, है ना, मग और गड़वा, और नीचे के साइड में जग है और बॉटल्स होती हैं, वो हैं तेल वगैरह की। उसके बाद इसके साइड में ये वाला, ये कुछ एक कॉर्नर का है तो ये ऐसे खुलता है, तो इसमें आटे की टंकी, सिलेंडर, है ना, लहसुन वगैरह और जो बाकी बॉटल्स वगैरह कम यूज़ होती हैं वो सारा सामान है, कम यूज़ करते हैं वो सब चीज़ें हैं इसके अंदर। अब इसके बाद जो ये नेक्स्ट है, इसमें डस्टबिन है, क्या देखना है इसको, तो डस्टबिन वगैरह है ना, इसमें कचरा वगैरह रखते हैं। उसके बाद ये है, इसमें छोटी वाली कटोरियाँ और डेली यूज़ वाले चाय के कप, टिफ़िन वगैरह इनके, है ना, परी की बॉटल्स ये हैं। इसके नीचे वाले में सारी प्लेट्स हैं, स्टील की प्लेट्स, थाल वगैरह ये सब हैं। ओके, तो ये पूरे हुए आपके नीचे वाले कैबिनेट्स भी। अब आपको एक बार स्लैप और दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे माइक्रोवेव के जस्ट नीचे एक टिश्यू पेपर का ये बॉक्स है, ये हॉट केस है, ठीक है, ये मेरा गैस चूल्हा 3 बर्नर का, यहाँ पे ये ऑयल डिस्पेंसर है, इसमें सरसों का तेल रखती हूँ, इसमें रिफाइंड ऑयल रखती हूँ, ये घी की वरनी, घी रहता है इसमें, ये अदरक कूटने वाला, और इसी में मसाले भी, जैसे लहसुन वगैरह कूटना हो तो सिम कूट लेती हूँ। ये मेरा फूड प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद इसके साइड में आती है ये वॉश बेसिन, है ना, यहाँ पे ये हैंड टॉवल लगा हुआ है, तो ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी किचन। तो ये जो किचन है, इसमें एक एक चीज़ जो भी आपने देखी ना, मैंने खुद ने पसंद कर करके लगवाई है, कैबिनेट्स के कलर, किस तरीके का कहाँ कैबिनेट लगेगा, है ना, कहाँ कटलरी का लगेगा, कहाँ मुझे डब्बे रखने हैं, मतलब बहुत टाइम लगा था चीज़ों को सेलेक्ट करने पे, नेट पे, यूट्यूब पे, पिंटरेस्ट पे, सब चीज़ों से देख के फिर मैंने बनवाई, और फाइनली जब ये बनी थी ना, मुझे इतनी खुशी हुई थी, क्योंकि कोई भी, मतलब हाउसवाइफ कह लो या कोई भी लड़की है ना, शादीशुदा है, जो खाना वगैरह बनाती हैं या जिनको शौक है, जैसे मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, तो उनका मेन यही होता है कि हमें घर में किचन सबसे अच्छी चाहिए। किसी भी औरत के लिए सबसे खुशी की बात यही होती है कि उसके घर में उसकी किचन उसकी पसंद की होनी चाहिए, उसकी मतलब जब वो किचन में जाए तो मन करे दिल से खाना बनाए, और जब हम दिल से खाना बनाएंगे तभी खाना टेस्टी बनता है। तो ये थी मेरी बहुत ही प्यारी सी छोटी सी किचन। तो अगर आपको मेरी ये किचन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें, और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें।